मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये बदमाश आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के पार्षद को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। इस दौरान जाति सूचक शब्दों से भी उन्हें अपमानित भी किया। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आशियाना फेज 2 डबल स्टोरी निवासी सुदेश सिंह वार्ड 5 के सपा पार्षद हैं। वो ढाप वाले मंदिर की ओर से होकर अपने घर जा रहे थे। वहीं आरोप है कि तभी कॉलोनी में ही रहने वाले 5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। इनमें से 3 आरोपी उसकी कॉलोनी में ही रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता हैं। तीनों काफी समय से पार्षद से रंजिश मानते हैं। इन लोगों ने पार्षद को घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। विरोध पर लाठी डंडे लोहे की रॉड और तमंचे की बट से बुरी तरह पीटा। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मैं रिक्शा लेकर आ रहे थे, इन लोग झगड़ा कर रहे थे जानते नहीं हम कौन थे, तो उन लोग झगड़ा कर रहे थे। हम रिक्शा रोक के बीच बचाव करे, बीच बचाव करने के बाद वो मार उड़ के जब भाग गए तो मैंने उठा के लेकर आए सिविल लाइन। कौन है, इन्हें पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता। ये सरदार जी कौन? सरदार जी तो पार्षद है। कौन से पार्टी से? साकिल वाले से। कहाँ के पार्षद? आसियाना का। अच्छा, आपने देखा होगा जब झगड़ लेते किस बात पे झगड़ा हो रहा है? अब ये नहीं पता सर किस बात पे झगड़ा लड़ा है, कोई तो बात चल रही है। कितने लोग बोलो, कितने लोग? वो लोग 4 लोग थे वो लोग। और ये अकेले थे? ये अकेले थे। फिर मैं रिक्शा रोका, फिर जानने वाले समाज को मैं बचाने गए तो वो लोग मार के निकल गए। फिर मैंने जो लोग मार रहे थे क्या उनके पास डंडा हथियार वगैरह कुछ थी? हाँ, लाठी उठी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।